मेरी भाभी मेरे कमरे में आई। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, तुम इस समय मेरे कमरे? कोई बात है क्या? तो वह बोली, समीर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ भाभी बताओ क्या बात है। भाभी मेरे पास बैठ गई। आज भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। भाभी अपने नाखून को चबाते हुए बोली, समीर अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं, तो तुम्हारा क्या मन है? मैंने कहा, भाभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि भाभी के मन में क्या चल रहा है। मैं सब कुछ जान रहा था, मगर मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था कि मैं भी वही चाहता हूँ जो भाभी के मन में चल रहा है। मैंने कहा, भाभी तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे सच सच बताओ। उसके बाद भाभी वही पर खड़ी हो गई और इधर उधर घूमकर बोली, अच्छा मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, भाभी आप बहुत ही खूबसूरत हो। भाभी बोली, मुझे देखकर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने कहा, भाभी आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तो भाभी बोली, समीर सच कहूँ तो मुझे आज बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं। उसके बाद मैं भी भाभी के साथ घूमने चला गया। तभी भाभी बोली, समीर तुम्हारे भैया मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने कहा, भाभी ऐसा नहीं है, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, काम की वजह से वह आपको टाइम नहीं दे पाते। ऐसे ही हम दो बातें करते हुए जा रहे थे। आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात अभी लेके आया मैं। फिर मैं भाभी के साथ घर वापस आ गया। शाम को सब खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरों में सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे का गेट खोल रहा है। मैंने लाइट जलाकर देखा तो भाभी मेरे सामने खड़ी थी कि समीर मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आ गई। मैंने कहा, अच्छा किया भाभी अपने। तभी भाभी बोली, समीर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा, भाभी कोई मिली ही नहीं, मतलब तभी अचानक भैया आ जाते। भाभी अपने कमरे में चली जाती है, मैं भी लाइट बंद करके सो जाता हूँ। सुबह उठा तो भाभी किचन में चाय नाश्ता बना रही थी। उसके बाद भाभी बाथरूम में नहाने चली गई। जब भाभी नहाकर बाहर आई तो मैं उन्हें देखते ही रह गया, मेरी निगाह उनसे हट ही नहीं रही थी। भाभी बोली, समीर क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, भाभी आप कितनी खूबसूरत हो। यह सुनते ही भाभी मुस्कुराकर अंदर कमरे में चली गई। मैं भाभी की मुस्कुराहट को समझ गया कि भाभी भी कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद करती है। तभी भाभी बोली, समीर तुम्हारे भैया के कुछ दोस्त है, मुझे मार्केट से कुछ सामान ला दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। तभी मैं मार्केट सामान लेने चला गया। जब मैं भाभी को सामान दे रहा था तभी उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे किचन में खींच लिया। मैंने कहा, भाभी यह क्या कर रही है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो सब क्या कहेंगे? भाभी बोली, तुम चुप रहो। मैं जल्दी से किचन से बाहर आ गया। भैया के दोस्त आ चुके थे, मैं उनके किए नाश्ता वगैरह लगा रहा था, लेकिन भाभी की मजाक मस्ती कम नहीं हो रही थी। भैया के सभी फ्रेंड जा चुके थे, मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। भाभी भैया से फोन पर कुछ बातें कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी किसी बात को लेकर परेशान है। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा, भाभी क्यों रो रही हो? भाभी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने बोला, भाभी क्या बात है, आप मुझे तो बताओ, तुम्हारे भैया मुझसे कभी अच्छे से बात तक नहीं करते। मैंने कहा, भाभी बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो, आपका देवर किस लिए है? फिर भाभी हंसने लगी। मेरी भाभी हंसते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती थी। मैं बोला, भाभी आप हमेशा मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। भाभी बोली, तुम भी ना समीर। भाभी बोली, समीर तुम मुझसे कितने प्यार से बात करते हो। मैं अपनी भाभी से प्यार करने लगा था, लेकिन मैं उन्हें बताने से डरता था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए और भैया से कुछ कहे ना दे। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मम्मी पापा मामा के घर गए हुए थे और भैया आपने ऑफिस के कुछ काम से गए हुए थे। भाभी कपड़े धो रही थी,
मैं उनके पास गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाभी को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, भाभी कहां, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था। भाभी बोली, कहो। मैं बोला, कुछ कहोगी तो नहीं? अरे बाबा, कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा, भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर भाभी चुप हो गई और मैं तुरंत वहां से चला गया। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के बाय बाय, धन्यवाद।